नमस्ते दोस्तों, पांव सुन्न हो जाना एक बहुत ही आम तकलीफ है और कई सारे मरीज ओपीडी में हमारे पास यह तकलीफ लेके आते हैं। पांव सुन्न होने की तकलीफ छोटे समय के लिए हो सकती है, टेम्पररी हो सकती है और लंबे समय के लिए भी रह सकती है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी मुख्य कारण हैं जिसके कारण से आपके पांव सुन्न होते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण, टेम्पररी रूप से अगर आपके पांव सुन्न हो रहे हैं, अगर आपका पांव सुन्न हो जाता है लंबे समय तक, अगर आप बैठ रहे हैं तो पांव सुन्न हो जाता है, तो ये एक पोस्चरल भी हो सकता है। आप एक गलत पोजीशन में सो जाते हैं या गलत पोजीशन में बैठ जाते हैं तो उसके कारण भी आपके पांव सुन्न हो सकते हैं, या आप एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रख के बैठ जाएं तो भी हो सकता है, लंबे समय तक बैठे रहें तो हो सकता है, आप अपने पैरों पर बैठे रहें तो हो सकता है, अगर आपने बहुत टाइट पैंट्स शॉर्ट्स पहनी है तो उसके कारण भी यह तकलीफ हो सकती है। तो अगर टेम्परेरी रूप से यह तकलीफ हो रही है तो चिंता वाली बात नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, पॉस्चर और अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करें तो ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं परमानेंट की, या फिर जब लंबे समय तक आपको पांव सुन्न होने की तकलीफ हो रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, ये जो तकलीफ होती है ये कई कारणों की वजह से हो सकती है। आपके कमर में कारण हो सकता है, कमर से नीचे की तरफ हिप जॉइंट होता है वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हो सकता है, नी जॉइंट की प्रॉब्लम्स में हो सकता है, जो नस कमर से लेके पांव तक जा रही है उसकी वजह से हो सकता है, शरीर में महत्वपूर्ण विटामिन्स की कमी के कारण हो सकता है, और इसके अलावा भी कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि अगर आप लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का किसी भी रूप में सेवन करते हैं तो भी हो सकता है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं पांव सुन्न हो जाने के कारणों के बारे में। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कमर की तकलीफ, जिसको हमारी भाषा में सियाटिका भी कहते हैं। यह स्लिप डिस्क के कारण हो सकता है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के कारण हो सकता है, स्पाइनल स्टीनोसिस के कारण हो सकता है, कई सारी रीढ़ की हड्डियों की इस तरह की तकलीफ होती है जो आपकी नसों को दबा सकती है, जिसके कारण से आपके पांव सुन्न हो सकते हैं। स्पाइन से निकल रही है, उसके बाद वो हिप जॉइंट में आ रही है, हिप जॉइंट के अंदर एक मांसपेशी होती है जिसको पायरीफॉर्मिस बोलते हैं, और पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम नाम की एक तकलीफ होती है जिसमें जो सियाटिक नर्व होती है वो पायरीफॉर्मिस मसल से दब रही होती है, तो उसके कारण भी आपके पांव सुन्न हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपको घुटने में इंजरी होती है तो घुटने में पेरोनियल नर्व बन जाती है, जो सियाटिक नर्व होती है उसके दो ब्रांचेस हो जाती हैं, एक टिबियल नर्व और एक पेरोनियल नर्व। तो घुटने में आपको किसी तरह की इंजरी होती है, घुटने में कोई चोट लगी होती है या घुटने में कोई डिसलोकेशन हुआ होता है, लिगामेंट इंजरी रही होती है, तो उसके कारण भी आपका पांव कमजोर पड़ सकता है और सुन्न पड़ सकता है। घुटने से नीचे आते हैं तो पांव में एंकल जॉइंट के पास में टार्सल टनल के नीचे से आपकी टिबियल नर्व पास करती है, तो टार्सल टनल सिंड्रोम होता है, उसके कारण भी आपके पांव सुन्न हो सकते हैं। इस सिंड्रोम में आपकी जो नस होती है उसके ऊपर का जो बैंड होता है वो टाइट हो जाता है, बहुत ही रिजिड हो जाता है, और उसके कारण से जो नीचे की नब्ज होती है वो दब जाती है, जिसके कारण से भी आपका पांव सुन्न हो सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बात की कि कई बार आपके एसेंशियल विटामिन्स की कमी से, जैसे कि मैंने बताया कि महत्वपूर्ण विटामिन्स की कमी से, विटामिन B1, B2, B9, B6 और B12, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके नसों में संचार बराबर बना रहे उसके लिए, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है विटामिन B12, जिसको हमारी भाषा में मिथाइल कोबालामिन भी बोलते हैं। तो अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में, इस विटामिन की कमी आपके शरीर में है तो भी आपके पांव सुन्न हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप शराब का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो भी पांव सुन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह अगर आपको डायबिटीज़ लंबे समय से है और डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तो भी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसके कारण से आपका पांव सुन्न हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम लंबे समय से चल रही है तो थायराइड की तकलीफ की वजह से भी पांव सुन्न पड़ने के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ रेयर डिजीजेस जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुलेन-बारे सिंड्रोम, कई बार स्ट्रोक वगैरह में भी आपके पांव में सुन्नपन और कमजोरी आ सकती है। कई बार कुछ मेडिसिंस ऐसी होती हैं जो न्यूरोपैथी कॉज करती हैं, मतलब जिनसे नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसके कारण भी पांव सुन्न हो सकते हैं।
रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में भी कई बार हमको ऐसा लगता है कि पाँव सुन्न हो गए, जबकि होता उसमें ऐसा है कि आपके पाँव जो हैं वो रेस्टलेस हो जाते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, उसके बारे में एक वीडियो भी बनाया है, जिसको फाइब्रोमायल्जिया बोलते हैं। और फाइब्रोमायल्जिया भी होता है अगर तो भी आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पाँव सुन्न हो रहे हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर आएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी हद तक क्यों हो रही है तकलीफ, किस कारण से हो रही है तकलीफ, उस पर निर्भर करता है। अगर आपको कमर में तकलीफ हो रही है तो कमर के लिए गर्म पानी का सेक, मसाज और कसरत बहुत ही लाभदायक है। कुछ समय के लिए आप ब्रेस या बेल्ट वगैरह भी पहन सकते हैं। एप्सम सॉल्ट लगाना और अच्छी नींद लेना, अच्छी डाइट लेना, यह सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में और विटामिन डेफिशिएंसी में भी आपको पाँव सुन्न हो सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि शराब का सेवन जो है वो मिनिमाइज कर दें, वो ना करें। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार आपकी धमनियों में अगर खून का जो बहाव है वो कम हो जाता है तो उसके कारण भी पाँव सुन्न हो सकते हैं। इसको हमारी भाषा में पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ बोलते हैं या रेनॉल्ड्स फिनोमिनन बोलते हैं, और इसके कारण से क्लॉडिकेशन हो सकता है। मतलब आपके जो पाँव हैं वो सुन्न पड़ सकते हैं और ज़्यादा चलने पे उस पर कमज़ोरी हो सकती है। तो अगर आप लंबा चल रहे हैं और उसके बाद आपके पाँव में दर्द आ रहा है तो ये दो कारणों से हो सकता है। आपको न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन मतलब आपकी नसों की कमजोरी के कारण, या आपको वेस्कुलर क्लॉडिकेशन हो सकता है, मतलब आपकी जो धमनियां हैं उनमें अगर ब्लॉकेज है और खून का बहाव सही नहीं हो रहा है तो भी हो सकता है। तो अगर ये है तो सिगरेट स्मोकिंग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसके पीछे एक रीज़न होता है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उसके कारण से बर्जर्स डिजीज़ हो सकती है, उससे भी आपको जो है वो पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ हो सकती है, और उससे ब्लड के क्लॉट्स भी बन सकते हैं जिससे आपको पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ हो सकती है, जिससे धमनियों में खून का प्रवाह कम हो जाए और जिसके कारण से आपके पाँव सुन्न हो जाए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से पाँव सुन्न हो जाने के सारे कारणों और उनके इलाज के बारे में मैं आपको जानकारी दे पाया होऊंगा। आप हमारा चैनल फॉलो करते रहिए। इसी श्रृंखला में हम जो आपकी सुनपन है उसके लिए क्या क्या आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या क्या जांच कर सकते हैं और क्या क्या इलाज ले सकते हैं, उसके बारे में हम नया वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।